सो गाइस कैसे हो आप सब लोग, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और गाइस आज की जो न्यू वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो। तो आप लोगों में बताने वाले हो रॉकेट लीग के अंदर आप लोग को जो है ना सबसे मेन प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि भाई लॉग इन कैसे करें या लॉग इन करा कैसे जाता है या फिर भाई लॉग इन की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाला हूँ और इजिली लॉग इन कर पाओगे रॉकेट लीग साइड वाइप के अंदर। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, चैनल बनियो सब्सक्राइब कर दो और बाकी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोगों नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। और गाइस आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आप लोगों को रॉकेट लीग साइड वाइज के अंदर देखने को मिली है तो मुझे आप लोगों को जरूर से कमेंट करके बताना। और यहीं से हम लोग बात करें भाई लॉग इन कैसे करा जाता। तो गाइस जब आप लोग जाए यहाँ पर से अपना गेम ओपन करते हो तो आप लोग को यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती है, लॉग इन विद एपिक गेम्स और प्ले ऑफलाइन। तो आप लोग को प्ले ऑफलाइन पर क्लिक करोगे तो भाई ऐसी ऑफलाइन चलने लग जाएगा। बट यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है लॉग इन विद एपिक गेम्स। तो आप लोग इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर से मैं आप लोगों को एपिक गेम्स के साथ लॉग इन करना नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को कोई से भी अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, जैसे कि भाई मैं यहाँ पर से ओपन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है ना एपिक गेम्स के साथ लॉग इन करना नहीं बताऊंगा। अगर आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों के पास जीमेल आईडी है तो आप लोग कैसे लॉग इन कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर साइन इन वाला ऑप्शन आ चुका है, ऊपर एपिक गेम्स लिखा हुआ है और नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाता है साइन इन विद एपिक गेम्स, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल। तो आप लोग यहाँ पर से गूगल पे क्लिक कर लेना है। तो भाई देखो मैं तो गूगल से ही लॉग इन करने वाला हूँ और नीचे आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं साइन इन विद एक्सबॉक्स लाइव और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बट गाइज मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ आप लोगों को सिंपल में क्या करना है, साइन इन विद गूगल करो, इससे जो है ना आप लोग इजिली लॉग इन कर पाओगे। ज्यादा आगे जाओगे तो भाई बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को थर्ड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन इन विद गूगल, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है साइन इन के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप लोग पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हो भाई, अच्छी तरह से पढ़ के पूरा करना। तो यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर से आप लोगों को अपना जीमेल देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप लोगों को कोई से भी अपना जो है जीमेल सेलेक्ट कर लेना है, बट मैंने जो है यहाँ पर से सिलेक्ट कर लिया है। तो आप लोग को कोई से भी सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसमें आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, लिंक टू एक्जिस्टिंग अकाउंट, लिंक टू न्यू अकाउंट। तो मैं आप लोगों को दोनों के ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग जो है यहाँ पर से करते हो लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट तो आप लोगों को इसके अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पहले ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, इसके बाद अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, इसके बाद जाके आप लोग जो है यहाँ से कुछ आगे बढ़ पाओगे। बट मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई लिंक टू न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, इसके बाद जाके आप लोग यहाँ पर से बना पाओगे। अगर आप लोगों के पास पहला अकाउंट है तो आप लोग लिंक टू एग्जिस्टिंग अकाउंट पर जा सकते हो, बट आप लोगों को यहाँ पर से न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा मंथ, डे और इसके बाद ईयर। तो आप लोगों तीनों के तीनों सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ से कर लिया है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर कर देना है कंटिन्यू। तो गाइज इसके बाद आप लोग अगले पेज पर पहुंच जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोगों को सबसे मेन चीज देखनी है कि आप लोग को जो है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कौन सा डालना है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप लोग कोई सा भी डाल सकते हो, बट मैं आप लोगों को एक मेन बात बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर जो डिस्प्ले नेम देखने को मिल जाता है, इस डिस्प्ले नेम के अंदर जो नेम आप लोग अभी डालोगे वही नेम आप लोग अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो डिस्प्ले नेम आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के डालना है, जो आप लोगों को बढ़िया लगे बस वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर से नेम डालने के बाद आप लोग यहाँ पर से दोनों पे टिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ से दोनों पे टिक कर दो तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपल में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस डिस्प्ले नेम थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी बढ़िया नेम डालोगे वही आप लोगों को गेम के अंदर देखने को मिलेगा और उसी से ही आप लोगों का गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो भाई मैंने तो नेम अपना डिस्प्ले नेम के अंदर रॉयल गेम्स हो के अभी आगे दो तीन डिजिट डाल दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग के पास जो जीमेल होगा उसके पास जो है ना आप लोग को यहाँ पर से कोड देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को उस जीमेल पर जाकर कोड भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। आप लोगों ने जो भी यहाँ पर से जीमेल डाला होगा आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग को जो ये जो कोड आया होगा इस कोड को आप लोगों को सिंपल में यहाँ से कर लेना है कॉपी, या फिर आप लोग देख सकते हो और यहां पर आप लोगों को डाल देना। इसके बाद वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना, इससे ये हो जाएगा कि भाई जो भी आप लोगों के पास ईमेल था वो प्रॉपर आप लोगों के पास हैगा। तो इसके बाद आप लोगों को यहां पर से वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना। और गाइस अगर आप लोगों का गेम डिलीट भी हो जाता है तो आप लोग इजीली यहां पर से लॉग इन भी कर पाओगे। तो भाई देखो यहां पर से अपना जो गेम है ना वो लॉग इन होना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार जो भी आप लोग ईमेल डालो ना वो थोड़ा ध्यान से डालना, अगर आप लोगों की आईडी बहुत ही ज्यादा बड़ी भी हो जाती है ना तो इसके बाद अगर आप लोगों का गलती से भी रॉकेट लीग डिलीट हो जाता है तो इसके बाद आप लोग दोबारा से उसे लॉग इन कर पाओगे।
भाई बहुत ही ज्यादा मेन प्रोसेस था जो मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे प्रोसेस करोगे तो आप लोगों का जो भी मतलब आइडिया होगी बहुत ही तरीके से सेफ रहेगी। बट आप लोगों को जो जीमेल है ना उसे बिल्कुल सिक्योर करके रखना, मतलब अगर गेम जो है ना मतलब जैसे देख सकते हो अभी मेरी लेवल 1 की आईडी है, अगर ये लेवल 100 तक भी चली जाएगी गलती से भी अगर मेरा जो अकाउंट है ना भाई वो डिलीट भी हो जाता है या फिर भाई मेरा जो गेम है वो डिलीट हो जाता है तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, एक क्लिक के अंदर वो वापसी भी आ जाएगा अकाउंट। तो गाइज आप लोग को जहां तक मुझे लगता है वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बाकी गाइज अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आए तो यार मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।